क्लास में पढ़ा था रिडॉक्स के बेसिक्स। आज हम लोग को लगाने थे रिडॉक्स के ढेर सारे क्वेश्चन, तो आज हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं ताकि तुम लोग का टाइम नहीं बर्बाद हो। अब हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। लास्ट वाली क्लास अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो लास्ट वाली क्लास पढ़ लो और जल्दी से फिर इस वाली क्लास को देखो, क्योंकि अगर आपने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी तो इस वाली क्लास में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ये बेसिकली हम लोग जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने वाले हैं ये हम लोग समेशन मेथड से पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने दो मेथड की बात की थी, एक समेशन मेथड और एक स्ट्रक्चर वाले मेथड। स्ट्रक्चर मेथड की अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं समेशन मेथड की। तो अभी जल्दी से देखते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ये मैंने हाइड्रोजन के बारे में लिख दिया, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इनटू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। समेशन मेथड में यही होता है कि हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या करनी पड़ती है, प्लस करनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन की एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखने के बाद हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए प्लस लगाया, जिसकी निकालनी है उसको एक्स मान लिया। ऑक्सीजन के लिए फिर से हमने प्लस लगाया, ऑक्सीजन 4 है, हर एक ऑक्सीजन की मैंने बताई थी -2 इज इक्वल टू में ओवरऑल जो नेट चार्ज आता है वो लिखते हैं। अगर ओवरऑल नेट चार्ज 0 है तो 0 रखेंगे। यहां से हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली कितनी आ गई +6, इसको सॉल्व करके तो हमारा ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, मेटल के साथ बस -1 होती है, मेटल यहाँ नहीं आ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होगी, क्या होगी +1। नाइट्रोजन के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, समेशन रूल है, एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए हमें पहले प्लस साइन का यूज करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन की लग दी प्लस लगाया, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने एक्स मान ली, प्लस कितने ऑक्सीजन है 3 है, हर एक ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज हमारा 0 होगा। यहां से हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 मिल जाएगी। अब हम लोग Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम फिर से क्या मानेंगे, x। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमने Mn को x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, हर एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल टू में नेट चार्ज 0 है, तो यहां से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई +4। ठीक है, अब हम लोग यहां पे ग्लूकोज में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं। तो कार्बन कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं 6। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको तो हमें एक्स मानना था, लेकिन अगर 6 है तो 6x मानेंगे, 2 होते तो 2x मानते, 3 होते तो 3x मानते, हाफ होता तो हाफ एक्स मानेंगे। और अगर बाई चांस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और Fe हमारा 0.94 है तो 0.94x मानेंगे हम लोग। अब इधर आ जाते हैं हम लोग जल्दी से, यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसको एक्स मानना, लेकिन 6 है तो 6x मान लिया। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, 12 है तो 12 इंटू +1, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं हम लोग 6, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12 कैंसिल हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये कैलकुलेशन मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कैलकुलेशन तो तुम ही लोग समझ ही जाओगे। अभी वाली देखना जरा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें निकालनी है तो कार्बन हमारे पास कितने हैं 12 हैं और हर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान ली, प्लस हाइड्रोजन की लिखेंगे तो प्लस लगा के लिखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं 22, हर एक की +1। ठीक है, प्लस अब ऑक्सीजन की लिखेंगे, किसी भी नए एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी होती है तो हमें पहले प्लस साइन का यूज करना है, समेशन मेथड है क्योंकि। अब हमने प्लस लगाया, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं C6H12, ठीक है ये C12H22O11 है सॉरी, ठीक है ओ हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 11 लिख दिया, इसकी कितनी हो जाएगी हमारी -2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 22, ये प्लस का 22, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, 12x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब दिख लेगा मैंने बोल दिया 0 है। ठीक है, अब यहां देखना जरा, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो फॉस्फोरस को हम लोगों ने एक्स मान लिया, ऑक्सीजन की एड करेंगे हम लोग प्लस लगा के, ऑक्सीजन कितने हैं 4, चार ऑक्सीजन हर एक की -2, ओवरऑल चार्ज -3 है। तो मैंने बताया था इज इक्वल टू में ये 0 क्यों लिख रहा था मैं उतनी देर से, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इनका 0 था। अगर इनका ओवरऑल चार्ज -3 है तो -3 रखेंगे, -2 है तो -2 रखेंगे, 0 है तो 0000000 रखेंगे, और अगर किसी में प्लस है तो +1 रखेंगे। तो यहां पे ओवरऑल चार्ज -3 है तो इज इक्वल टू में -3। अब ये माइनस के 8 उधर जाके प्लस का 8, 8 में से 3 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। अब यहां पे देखो जरा, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है +1,
कार्बन की निकालनी है तो प्लस करके एक्स लिख दी। नाइट्रोजन की चेंज होती है जब नाइट्रोजन किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ आता है, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -3। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो नहीं पढ़ा है तो पहले जाके लास्ट वीडियो पढ़ो, लास्ट वाला वीडियो पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी आज की क्लास। तो अब यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है, इज इक्वल टू में 0, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई +2 इसको सॉल्व करने में। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करते हैं, ये हाइड्रोजन साइनाइड है, ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड के केस में कार्बन की निकालते हैं, हाइड्रोजन की हम रखेंगे +1, नाइट्रोजन की निकालनी है तो हमने प्लस साइन का लगाया, नाइट्रोजन की वैल्यू क्या 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 -3 प्लस कार्बन के लिए हमने निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -2 दर्जा के +2। ठीक है, हाइड्रोजन की फिर से हम यहाँ पे रखने वाले हैं +1 है कितने 4, तो इंटू 4 कर दिया। फॉस्फोरस की निकालनी है तो उसको एक्स मानेंगे, 2 है तो 2x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 8, हर एक की -2 इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो 0, ओवरऑल चार्ज नहीं था तो 0, ओवरऑल चार्ज नहीं था तो 0, ओवरऑल चार्ज -3 था तो -3। तो यहां से हम ठीक है माइनस का 16, ठीक है उसमें से हमने 4 माइनस कर दिया भैया 16 में से, तो 12, 12 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +6। ये एच हम लोग की यहां पे जो एक्स की वैल्यू आई है +6 आई है, लेकिन फास्फोरस के केस में +6 नहीं, मैक्सिमम +5 हो सकती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे सॉल्व करेंगे? ये वाला केस है हमारा पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड का केस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग नॉर्मल सॉल्व करने वाले हैं। तो ये परऑक्साइड का केस बेसिकली आ गया गलती से तो मैंने बता दिया, लेकिन हाँ ये भी देखना है कि कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की लिमिट ना क्रॉस कर रहा हो। जैसे यहां पे लिमिट क्रॉस कर रहा था, फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप में आता है तो 5 से ज्यादा ये नहीं शो कर सकता, और अगर कर रहा है तो इसका मतलब इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली, और लिमिट क्रॉस कर ली तो परऑक्साइड का केस लगेगा। ये हम लोग की ट्रिक है, अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी का एक क्वेश्चन ही होता है, इसके प्लेस पे भी हम बता देंगे। अभी हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पीटी की निकालनी है तो पीटी को हम लोगों ने एक्स मान लिया, यहाँ पे सीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम लोगों ने याद किया कि सीएल की ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट वीडियो में मैंने कितनी बताई थी -1, तो 6 × -1 इज इक्वल टू -2। ये माइनस का 6 उधर जाके +6, 6 में से 2 गया तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी +4। सोडियम Na की +1 होती है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, Hg+1 होगी। अब देखो, अब लोगों को लगेगा कि यहां तो हाइड्रोजन मेटल के साथ आया है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये बोला था कि हाइड्रोजन अगर ओनली एंड ओनली मेटल के साथ आए तब हमारी -1 रखनी है, अदरवाइज तो +1 रहेगी। तो यहां पे क्या रहने वाली है, +1 रहने वाली है। फॉस्फोरस को क्या मानेंगे एक्स, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हर एक ऑक्सीजन की कितनी रखेंगे -2 इज इक्वल टू में 0, तो ये बेसिकली हो गए +3 में से 8 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 बचेगा, और जो कि उधर जाके +5 आएगा। अब यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रॉस नहीं हो रही अपनी लिमिट, तो यहां पे परऑक्साइड का केस नहीं लगेगा, परऑक्साइड का केस नहीं लगेगा, तो यही वाला क्वेश्चन सही है हमारा। अभी परऑक्साइड के केस ये वाले हम लोग पढ़ेंगे, और पहचानने की ट्रिक यही है परऑक्साइड को कि वो अपनी लिमिट को क्या कर जाएगा क्रॉस। अब देखो यहां पे देखते हैं, तो जैसे कि 2 होता था तो 2x मानते थे, 3 होता तो 3x मानते थे, 0.94 है तो 0.94x मान लेंगे, ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 उधर जाएगा, 0.94 से डिवाइड कर देंगे तो इसको बाद में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली यही हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, अपना देख लेना। यहां पे अगर हमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो Fe को हमने मान लिया कितना x, और 2 है तो 2x, ऑक्सीजन कितने 3, हर एक ऑक्सीजन का रखेंगे -2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा -6 उधर जाके +6, 6 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी +3। K2Cr2O7 में K की हम रखेंगे +1 क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आता है, इंटू 2 दो है, सीआर की निकालनी है तो 2 × x, ओ कितने हैं 7, हर एक की -2 इज इक्वल टू में 0, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, -40 में से 2 गया 12 और x की वैल्यू आ गई +6। तो ये सिंपल सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने पढ़ ली है। कुछ एक क्वेश्चन आया था हमारा परऑक्साइड का, लेकिन उसमें हमने ये देखा कि परऑक्साइड के क्वेश्चन में वो अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, अपने ग्रुप नंबर को क्रॉस कर जाएगा, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, डन। तो फिर आप आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो देखो हम लोग क्लास आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख लिए हैं और कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स ऐसे लिख लिए हैं जिनका हमें ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनका हम लोग चार्ज याद रखेंगे तो क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, और नहीं याद रखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे CO का हमें चार्ज याद रखना पड़ेगा 0, कार्बोनिल लिगेंड के तौर पे जब यूज होता है, CN का -1, NH3 का 0, NH4 का +1, NO का +1, NO का 0 भी होता है, लेकिन कौन से केस में ये अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले जो ज्यादातर यूज होता है +1 वो वाला करेंगे, फिर H2O का 0, SO4 का -2, ऑक्सीलेटो का, ऑक्सीलेट भी कहते हैं या ऑक्सीलेटो लिगेंड के तौर पे -2। अब इनकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग रखते हैं K की, यहाँ पे K की रखेंगे तो K हमारा कितने हैं, 4, हर एक K की होती है +1, Fe की हमने मान ली X, CN की अब देखो एक साथ रखेंगे, CN की कितनी है -1, तो एक साथ रखेंगे CN की कितनी -1 × 6 इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 0। यहां से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस का 2 सॉल्व करने पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे c की भी नहीं पता थी, fe की भी नहीं पता थी, तो ऐसे केस में cn की एक साथ रख दी तो बहुत फायदा करती है। अब यहाँ पे देखो fe को हमने मान लिया x, cn की हमारी -1 × 6 इक्वल टू में जो ओवरऑल चार्ज दिया है -3, ये उधर जाएगा प्लस का 6, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। अब ऊपर बढ़ते हैं ni, ni की निकालनी है तो x, CO की कितनी होती है, CO की 0 × 4 इक्वल टू में कोई चार्ज नहीं है 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। यहाँ पे CO की निकालते हैं, CO को हमने मान लिया x, NH3 कितने हैं 4, हर एक NH3 की 0 इक्वल टू में +2, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2, ये भी हमारी सॉल्व हो गई। अब देखो ऐसे करके हम सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। NO, अब देखो यहाँ पे NO एक साथ दिखाई दे रहा है तो इसकी एक साथ रख दो, एक साथ NO की बताई थी ना +1, तो NO की हमने रख दी +1, Cl की निकालनी है x, O कितने हैं 4, हर एक की -2 इक्वल टू में 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस का 7। Fe की निकालनी है, Fe को मान लिया x, अब देखो C2O4 ऑक्सीलेटो एक साथ हमें पता है C2O4 की, तो एक साथ रख दो, इस C2O4 की कितनी होती है -2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक साथ याद करने से फायदे हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन लग जाएंगे। अब देखो जैसे एनओ की हमें एक साथ रख सकते थे तो रख दी, यहां पे भी आ एनओ रहा है लेकिन उसमें से एन की ही निकालनी है, एक साथ रखने के साथ कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा करेंगे हम लोग यहाँ पे एन की रखेंगे, यहाँ पे एन की ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने मान ली एक्स, अब यहाँ पे ओ, अब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, सीएल की -1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी +3, कितनी आ जाएगी +3। अब देखो इसमें इतने बड़े कंपाउंड में एफी की निकालनी है, हर एक एटम की रखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा करेंगे पूरे पूरे सेट की रखेंगे, एफी की निकालनी है ठीक है एक्स, SO4 की कितनी होती है -2, प्लस NH4 की हम लोग ने देख ली कितनी है +1 इंटू कितना है 2, SO4 की फिर से वही रख दी -2, प्लस 6 इंटू H2O की पूरी 0, देखो यहां से देखा हम लोगों ने कहां गया 0, H2O की हमने 0 रख ली इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 तो 0 है ही, ये -2 उधर जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई प्लस का 2, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 2। यहां Fe की निकाल लेते हैं, Fe को हमने मान लिया x, NO को फिर से एक साथ रख दिया भैया कैसे प्लस का 1, H2O का कोई चार्ज नहीं है तो 0 × 5, SO4 का चार्ज होता है -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई हमारी प्लस, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 × 2, Fe की हमें निकालनी है तो हमने मान लिया x, CN की हमें पता है एक साथ तो एक साथ ही रखो यहां से देख के -1 × 5, NO की एक साथ पता है वो भी यहां से देख के रख देंगे +1 इक्वल टू 0, तो -1 +1 माइनस का 4, माइनस के 4 में से 2 गया ठीक है, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2। एफ, अब देखो OS की निकालनी है तो x मान लिए ओ, ओस्मियम है ठीक है, O कितनी है 4 -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 8, तो आपकी चीज ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आ सकती है, ये कहीं परोक्साइड का केस तो नहीं है, लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ओस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो सकती है, और क्या किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 8 हो सकती है, अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना। आज के लिए वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा परऑक्साइड के केस और स्ट्रक्चर बना के कैसे निकाला जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत मस्त मस्त टॉपिक और बहुत सारे एक्सेप्शनल केस की ट्रिकें।
तो नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखना, और आज के लिए इतना ही करते हैं, टाटा बाय बाय।